कार्यक्रम में और उनके साथ जितने भी गणमान्य व्यक्ति आए हुए हैं उनका भी साथ और इस कार्यक्रम में और इसी क्रम में मैं आमंत्रित करूंगा रविंद्र जुआल जी को, रामेंद्र नेगी जी को, सुनील रावत जी हैं, केशव डोबरियाल जी को, सनत डोबरियाल जी को, जितने भी संस्था के मेंबर हैं जो यहाँ पर मौजूद हैं सभी आए और स्वागत करें। एकता मंच के प्रधान मनोज भंडारी जी से निवेदन करूँगा कि देखो स्मृति दिन से उनका स्वागत करें और फूल फूलमाला संस्कृति और हम सभी लोग देवभूमि के लोग हैं तो हम सब लोगों का कर्तव्य बनता है कि हम अपनी संस्कृति को बचाएं और उसको बचाने के लिए इस तरह के कार्यक्रम वास्तव में जगह जगह होने चाहिए। तो निश्चित रूप से मेरी ओर से आयोजक जो समिति है उसके लिए बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं सभी लोगों से आग्रह भी करता हूँ, जहाँ पर हम लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि हम देवभूमि के लोग हैं, तो वास्तव में उसका महत्व तभी है जब हम अपने संस्कारों में, अपनी संस्कृति में, अपने
भाषा में, अपनी बोली में परिवर्तन करेंगे और वास्तव में जो हमारी मूल भावनाएं हैं, मूल धारणा है उत्तराखंड की, उसको बचाने के लिए हमको कार्य करना पड़ेगा। निश्चित रूप से आज की जो युवा पीढ़ी है जो पाश्चात्य संस्कारों की तरफ भाग रही है, उनसे मैं यही कहूँगा कि हमको अपना, अगर हिंदू धर्म बचाना है, अपना उत्तराखंड बचाना है, अपना देवभूमि बचानी है, तो निश्चित रूप से इस तरह के कार्यक्रम करने होंगे। सांस्कृतिक धार्मिक आयोजनों में प्रतिभाग करना पड़ेगा, बढ़ चढ़ कर भाग लेना पड़ेगा। दशहरे के अवसर पर जैसे हम बुराइयों का अंत करते हैं, रावण प्रतीक मानकर जो है रावण को जलाते हैं, बुराइयों का प्रतीक मानकर रावण का अंत करते हैं, उसी तरह हमें अपनी युवा पीढ़ी से आग्रह करता हूँ कि अपने अंदर की जो बुराइयाँ हैं उनको हम निश्चित रूप से, हर साल एक भी बुराई हम अगर दूर करेंगे तो एक दिन ऐसा आएगा कि हमारे अंदर कोई भी बुराई नहीं होगी। आज तक मैंने आपका कोई कार्यक्रम मिस किया? बताओ, हाथ उठा के सबके सब लोग हाथ उठाएं, कोई कार्यक्रम मिस हुआ आपका? नहीं हुआ ना? तो हमेशा इंसान ये चाहता है कि अपना भी 100 चाहता है लाइफ पे। हमेशा इंसान दो रूप के नहीं होने चाहिए, सिंगल रूप का इंसान होना चाहिए। हमारी एक ही खूबी है, हम सब लोग बिल्कुल एक रूप के इंसान, हम अंदर से भी ऐसे ही हैं और बाहर से भी ऐसे हैं। कल भी मुकेश पहलवान थे, आज भी मुकेश पहलवान। इसीलिए मन में भाव होने चाहिए। और उन लोगों को मैं भली भांति जानता हूँ जो लोग हर पल पर बदलते हैं, और हमें बता दिया था मैंने उन लोगों को कि उनकी दुकान में कोई सामान नहीं है। हमें पता था कि हमने 25 साल तक मेहनत की इस क्षेत्र में, और 25 साल की मेहनत का रिजल्ट रहा जितनी मातृ शक्ति यहाँ पर बैठी है उनका आशीर्वाद और स्नेह प्रेम रहा कि पूरी हरियाणा में 48 सीटों में जो सबसे बड़ी जीत हुई है वो आप सबके आशीर्वाद से हुई। जितने लोगों की वोट आई है इतने तो मेरा मार्जिन है, उससे भी और ज़्यादा लोगों की 50,000 वोट आई होंगी, मेरी 70,000 से तो जीत हुई है। तो ये देखो मेहनत कितनी होगी, और उस मेहनत का ही रिजल्ट है कि आप सब लोगों का स्नेह प्रेम और ये रहा। लेकिन हम जब आपका इतना कार्यक्रम परिवार की तरह सोचते हैं तो आपका भी परिवार हर पल आने वाले 5 साल तक भी परिवार की तरह उत्तराखंड के साथ खड़ा हूँ और आगे भी खड़ा रहूँगा। लेकिन मुझे दो रूप के लोग पसंद नहीं है, वो मैंने अपनी डायरी में स्पेशल लिख रखे हैं। मैं कति छुपा नहीं करता, क्योंकि जिन लोगों ने सदा मेरे साथ रहे, सदा मैं उनके कार्यक्रम में रहा और उसके बावजूद ऐसे 15 योजना, ऐसी 15 स्कीमें मैंने वहाँ पर की है कि 15 की 15 स्कीमें, और जितने भी आउटर्स पे जो जाम लगा रहता था खांडसा रोड पे, वह कोई जाम नहीं होगा, बाहर कोई रेडी नहीं लगेगी। उसके बाद जो खांडसा रोड पे रहते हैं उनको ये लगेगा कि वास्तव में हमारे लिए एक अच्छा सुरग बन गया मंदिर। इसीलिए काम करने के इरादे से है और काम करेंगे आपके लिए। आप देवभूमि के लोग हो और गुरु देवभूमि के लोग, गुरु द्रोण की नगरी में और माँ शीतला की नगरी में, आपका तो कॉन्फिडेंस और बड़ा होना चाहिए। इसीलिए आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत करता हूँ। और इस कार्यक्रम में 51,000 रुपये अपनी तरफ से भी, ये 51,000 रुपये किसी कोटे से नहीं है, ये अपने निजी कोष से है। हम कल भी अपने निजी कोष से सेवा करते थे, आज भी अपने निजी कोष से रखेंगे। और जब तक आपका यहाँ पर कार्यक्रम चलता रहेगा हम अपने निजी कोष से आपके लिए कार्य करते रहेंगे। और अब चिंता भी मत करना, अभी तक तो आपको जगह की सोचनी पड़ती है, कुछ दिनों बाद मैं कम्युनिटी सेंटर ऐसे बनवा दूंगा कि किसी के सामने फिर आपको हाथ नहीं कहनी पड़ेगी कि हमें जगह। कोई भी कार्यक्रम होता है तो ये जो माँ शीतला की धरती है, गुरु द्रोणाचार्य की तपस्थली है, वो भी आज धरती में होगी है, पूरा देव तुल्य होगी है। जब आपने देखा होगा कि यहाँ पे गोली निकली है, जो हमने पूरा आवरण किया हुआ पूरा पंडाल का और जो दरबार लगा हुआ है,
जिसमें नौ दुर्गा के आप साथ साथ दर्शन कर सकते हैं। तो देवभूमि के लोगों के लिए मेरा एक संदेश है, बल्कि मेरा क्षेत्रीय लोगों के लिए भी एक संदेश है, गुरुग्राम में रह रहे सभी लोगों के लिए भी संदेश है कि हम अपने संस्कारों को अपनी संस्कृति में समावेश करें, अपनी संस्कृति का संरक्षण करें, अपने बच्चों में अपनी सनातन संस्कृति का बीज बोए, उनको इस लायक बनाए कि वो भी हमारी जो वैदिक संस्कृति है उसके उनका अनुसरण करे। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम रामेंद्र सिंह है और मैं संस्था का महासचिव हूँ। आप संस्था के महासचिव होने के नाते इस प्रोग्राम का जो आयोजक हुआ और जो जितने सारे लोग आए उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि वो हमारे इस कार्यक्रम में आए और हम अपनी संस्कृति को बचाने के लिए और अपने बच्चों को अपनी पुरानी जो संस्कृति है वो सिखाने के कार्यक्रम का आयोजन करते हैं। सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे कि हमारे एक मात्र व्हाट्सएप मैसेज है, फेसबुक मैसेज से सारे लोग यहाँ पे आ गए, तो मैं सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। ये नंदा देवी की शक्ति है, नंदा देवी पिथौरागढ़ में उसके ससुराल है और नायिका उसका चमोली में है, वहाँ से डोली आती है और यहाँ से दुल्हन बन के वो डोली फिर पिथौरागढ़ जाती है नंदा देवी में, तो इसीलिए हमारे यहाँ पे नंदा देवी की बहुत महत्ता है और सारे लोग इस कार्यक्रम का आयोजन सिर्फ अपने बच्चों को या बाहर के लोगों को दिखाने के लिए करते हैं। जो असली यात्रा होती है वो चमोली से और पिथौरागढ़ के लिए होती है, वो साल में एक बार होती है। मेरा नाम मनमोहन सिंह है, मैं उत्तराखंड पौड़ी गढ़वाल का रहने वाला हूँ जी। मैं एक ही बात कहना चाहूंगा माता रानी से कि हमारे जितने भी उत्तराखंडी प्रवासी भाई लोग हैं यहाँ पे, उनका माँ का उनके ऊपर माँ का हमेशा आशीर्वाद बना रहे और समस्त गुरुग्राम वासियों को भी यही संदेश देना चाहूंगा मैं कि माँ का आशीर्वाद उनके ऊपर बना रहे। मेरा नाम रमेश गिल्डियाल है, मैं एज अ कोषाध्यक्ष हूँ उत्तराखंड सांस्कृतिक एकता मंच के। ये कब से और किस तरह से इतना सक्सेसफुल रहा और कितने दिनों से इसकी तैयारियां चल रही थी? इसकी तैयारी तो हमारे कम से कम दो महीने से हम लगातार इसको कोशिश कर रहे हैं, हर चीज की व्यवस्था करना, इन सब करना और सारे जितने हमारे उत्तराखंड प्रवासी जितने भी यहाँ गुरुग्राम में रह रहे हैं सबको एकत्रित करना अपने मीडिया के अनुसार भी, अपने सोशल मीडिया के थ्रू और अपने घर डोर टू डोर करके कन्विंस करके उनको बुलाया गया है। और हम विगत यहाँ 10 साल से मतलब काम कर रहे हैं इतने लंबे उत्तराखंड सांस्कृतिक एकता मंच को सबको संगठित करने के लिए। हमारे वैसे प्रोग्राम एक और होता है मकरैणी का कार्यक्रम, उत्तरायणी जिसे हम कहते हैं, ये हमारे जनवरी में होता है जब सूर्यदेव मकर राशि में जाते हैं, मकर राशि में उसको प्रवेश करते हैं, उसके बाद हमारे गढ़वाल में ये बहुत बड़ा पर्व मनाया जाता है जिसे मकरैणी का, तो इसका भी उत्सव हम बहुत धूमधाम से मनाते हैं। और मैं मंच का उप प्रधान हूँ और जब से मंच बना है तब से मैं शुरू से अभी तक उप प्रधान ही हूँ, मेरा सौभाग्य है। और जिस प्रकार से हमारा मंच काम कर रहा है, मतलब हर लेवल का काम कर रहा है, धार्मिक और सामाजिक लेवल का काम कर रहा है, इसके अलावा हम धार्मिक काम के अलावा हम सामाजिक काम भी करते हैं, जैसे ब्लड डोनेशन कैंप। फर्स्ट टाइम हमने जब ब्लड डोनेशन कैंप किया था तो हमने 85 यूनिट हमने ब्लड डोनेशन दिया था हमने रोटरी क्लब को। सेकंड टाइम हमने जो ब्लड डोनेशन कैंप लगाया था उसमें हमने 90 यूनिट ब्लड डोनेशन दिया हमने, और लास्ट टाइम हमने 106 यूनिट ब्लड डोनेशन यूनिट हमने दिया है। तो जिस बड़े लेवल पे काम कर रहा है एक छोटे से समय में, जब आपके न्यूज चैनल का जो सुबह से हमें फॉलो कर रहा, धन्यवाद आपका। बिस्ट है, मैं इस मंच का संस्थापक और भूतपूर्व प्रधान भी हूँ। इतना सुंदर माता भगवती का जागरण हुआ, आपके कार्यकर्मियों के लिए क्या कहना चाहेंगे जो प्रोग्राम को इतना सफल किया? पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूंगा आपके न्यूज चैनल को और विशेष आभार करना चाहूंगा कि आज हम लोगों के साथ साथ आपकी इस माँ भगवती की देव कार्य में सम्मिलित हुए। धन्यवाद मैं अपनी पूरी टीम का, पूरी उत्तराखंड साधु एकता मंच का एक एक कर्नाट कार्यकर्ता को भी करना चाहूंगा जो इस भक्त पंडाल में को सजाने में जिन्होंने हफ्ता दस से दिन रात मेहनत कर रहे हैं, एक एक घर घर तक, एक एक गुरुगांव के कोने कोने तक ये माँ भगवती के देव कार्य का जो संदेश पहुंचा रहे हैं, उनको भी मैं बहुत बहुत आभार नमन करता हूँ।